हेलो एवरीवन, मायसेल्फ एसके अज़र, ददून रियल एस्टेट में फिर से एक नया फ्लैट, नया प्रॉपर्टी आपके बीच में, राजपुर रोड जाकन में, दून बिहार में एक बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फ्लैट लाए हैं। सामने 30 फीट के रोड में ईस्ट फेसिंग बैल्कनी के साथ, और जैसे कि आप देख रहे हैं राजपुर रोड के, आप लोगों के बहुत सारे डिमांड मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि सर कोई फ्लैट बढ़िया सा लग्जरी, कुछ अच्छा सा फ्लैट निकालिए राजपुर रोड में। तो ये कार पार्किंग विद एक लिफ्ट के साथ मैं आपको एक फ्लैट दिखा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे ही रीसेल पे प्लॉटिंग है, प्लॉट रीसेल में ये फ्लैट है। ऑनर ही खुद ही सेल कर रहे हैं ये फ्लैट, ठीक है। तो ऑनर ने बहुत ही बेहतरीन मेंटेन्ड में ये फ्लैट रखा है, और ये जैसे हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आके ही नीचे 4x2 का टाइल्स लगा हुआ है, जितने भी सारे बहुत ही स्पेसियस इसमें डाइनिंग है, इसमें ड्राइंग। तो ये ड्राइंग रूम विथ आपका ईस्ट वेस्टर्न बैल्कनी के साथ, इसमें जो भी फ़ैन एसीज़ वगैरह है वो लगा रहेगा इसमें। ये बैल्कनी है, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ बताओ दोस्तों, इसमें आपको सुबह से शाम तक धूप रहता है, मतलब वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है और उजाला लाइटिंग बहुत अच्छा रहता है इसमें, ठीक है। लाइटिंग का इशू नहीं है सुबह से शाम तक, मतलब आपको जो सूरज का जो लाइट होता है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये डाइनिंग रूम से हम अभी चलते हैं किचन की ओर। ये टू साइड बैल्कनी आप देख लिया, एक तो नॉर्थ फेसिंग में बैल्कनी, एक ईस्ट फेसिंग में बैल्कनी। ये एक बड़ा साइज का यू शेप में एक आपका किचन है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एसी वगैरह जो भी ओनर का लगा हुआ है वो रहेगा, फ़ैन वगैरह लगा हुआ है, जो भी छोटे मोटे चीज़ें हैं वो सारे यहाँ पर रहेंगे। ये आपका नॉर्थ फेसिंग में बैल्कनी है, ठीक है, मैसूरी फेसिंग में मतलब है, और ये आपका ईस्ट फेसिंग में बैल्कनी है। तो बेशक बहुत ही बड़ा बैल्कनी है, मतलब ठीक ठाक बैल्कनी है। आप देख पा रहे हैं 2x4 का टाइल्स लगा हुआ है, मतलब 4 फीट 3 इंच या 4 इंच का ही ये चौड़ी में आपका ये बैल्कनी बना हुआ है। अगल बगल में रेजिडेंशियल घर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, किचन के ओर। ये आपका किचन है, मॉड्यूलर किचन के साथ ही सारे बना हुआ है, और विथ चिमनी भी लगा हुआ है इसमें। इसमें सारे ऊपर जो है आपका गीजर वगैरह जो भी वाटर फिल्टर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वेल्ड मेल्टन, मतलब बहुत ही बेहतरीन मेंटेन में इन्होंने फ्लैट को रखा है, और बहुत ही अच्छे पर्सन है जिनका ये फ्लैट है। SBI में रिटायर्ड है वो SBI से, और किचन में यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर रखने के लिए भी प्लेसेस हैं, ठीक है। ये एक पूजा रूम एरिया हो गया, एक एरिया है यहाँ पर, पूजा रूम आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक स्पेस है यहाँ पर पूजा रूम के लिए। तो जैसे हम चलेंगे आगे, तो ये लेफ्ट साइड में एक बाथरूम है या टॉयलेट है, जिसमें आपके बेडरूम के साथ भी कनेक्ट है और डाइनिंग के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये टॉयलेट है जिसमें आपका ये गीजर लगा हुआ है, और फैन भी लगाया हुआ है। ये वॉश बेसिन है। अब ये फर्स्ट बेडरूम में हम आपको दिखाते हैं, ये फर्स्ट बेडरूम 2x4 का टाइल्स लगा हुआ है इसमें, और ये आपका देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर अलमीरा वगैरह बना हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है ऊपर, आपका AC भी लगा हुआ है इसमें, और ऊपर सीलिंग का भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। लग्जरी फील आता है इस फ्लैट में आपको, एक तरह से वॉल में स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। और वेंटिलेशन देख रहे हैं कितना बढ़िया खिड़की है, और धूप भी है यहाँ पर, मतलब उजाला भी है यहाँ पर, लाइटिंग का कोई इशू नहीं है सुबह से शाम तक। ये मैंने वीडियो आपको लगभग शाम के 5 बजे मैंने शूट किया था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से उजाला है। ये इस बेडरूम के साथ अटैच में ही ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है आपका फर्स्ट बेडरूम के साथ जुड़े हुए।
तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे वेंटिलेशन वगैरह बहुत अच्छा बढ़िया है और बेडरूम के साथ अटैच में है। छोटा मोटा जो भी चीज़ें हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, जैसे आपका गीजर वगैरह, वाटर फिल्टर, एसी, फैन, ये सब यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। और ये एक बेडरूम है जिसमें वुडन फ्लोर है और एक दूसरा बेडरूम है जिसमें टाइल्स लगा हुआ। इसमें सिंगल एक बेडरूम पे वुडन फ्लोर है जिसमें ठंडे के टाइम पे बहुत अच्छा महसूस होगा, उसमें ठंडा नहीं होगा। ये इन्होंने ऐसा करके रखा है, बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया है। इन्होंने ये पीछे बालकनी है, ये वेस्ट फेसिंग बालकनी है बेडरूम के साथ अटैच में, ठीक है। मैं थोड़ा आजू बाजू का लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं, ठीक। तो फिर एंटर करते ही ये बेडरूम भी ठीक ठाक बेडरूम, बढ़िया बेडरूम है, मीडियम साइज बेडरूम है। अच्छा 12x कम से कम होगा ये 12x10 का 11 का बेडरूम है ये, और उसके साथ ये अटैचमेंट बाथरूम है, मैं आपको दिखाया था। और सेकंड बेडरूम है ये, फिर अभी हम चलते हैं थर्ड बेडरूम। ये वुडन फ्लोर है, ये वुडन के फ्लोर लगा हुआ है सारे, ठीक है। ये स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, इसमें अलमीरा वगैरह, और उसके साथ अटैच बाथरूम है, फैन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, बड़ी बड़ी खिड़की है, वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, प्यारा है इसमें। ये टॉयलेट रूम है इस बेडरूम के साथ कनेक्ट में, ठीक है। थ्री बेडरूम के साथ टोटल थ्री टॉयलेट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है सारे टॉयलेट, और वॉशरूम वगैरह भी बहुत अच्छा बना हुआ है।